महंगाई ने त्योहार के उल्लास को भी टेंशन में बदल कर रख दिया है। जी हां, ये कहना है शायद गलत नहीं होगा कि दिवाली जैसे त्योहारों को लोग घर के बजट का दुश्मन मानने लगे हैं। कहते हैं दिवाली पर हर घर में रौनक होती है, फिर चाहे वो आधुनिक दौर के कैंडल से हो या फिर कई सालों से चली आ रही पारंपरिक मिट्टी के दीयों से। लेकिन इस बार महंगाई की मार ऐसी पड़ी है कि आम आदमी के साथ साथ दुकानदार भी करा रहे हैं। भगवान राम के आने की खुशी तो दूर, अपनी रोजी रोटी का ही रोना रो रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक महंगाई के कारण दुकानों पर ग्राहकों की संख्या काफी कम हो गई है। ये साल दिवाली एकदम ठंडा है, अभी तक तो ठंडा, अब जब पेमेंट होगा तो मालूम पड़ेगा। महंगाई का असर एकदम धंधे पे पड़ा है। अभी इस साल तो मुझे ज्यादा ही महंगा लग रहा है, और इसलिए मैं सोच रही हूँ वैसे भी पॉल्यूशन भी होता है तो पटाखे ना ले वही अच्छा है। पटाखे बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक पटाखों के दाम सुनते ही दुकानों से रफू चक्कर हो जाते हैं। पटाखों के साथ साथ बच्चों पर भी महंगाई ने अपना डंक मार दिया है। कभी 10-10 रुपए में बिकने वाली ये बंदूक अब 50 से 100 रुपए के बीच मिल रही है। इस बार 35 से 40% महंगाई ज्यादा है, 35 से 40% तक की रेट में। अभी तो कस्टमर बहुत काफी कम आ रहे हैं, दो दिन से काफी लग चुकी हुई दुकान है, लेकिन अभी शून्य के बराबर बिक्री है। अभी महंगाई हो गई है, लेकिन हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टेंशन में दिन निकल रहे। दिवाली को अब कुछ ही दिन बाकी है, महंगाई पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो दिवाली के साथ साथ कई और त्योहारों का मजा किरकिरा हो जाएगा। मुंबई से शमशाद अहमद, सहारा सब। दिवाली और दीयों का पुराना नाता है। दिवाली पर दिए तो घरों को रोशन करने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन इन दीयों को बनाने वालों के घर अंधेरे में डूबे हुए हैं। नए दौर में महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन इनके ग्राहक भी कम हो गए हैं और दाम भी कम मिल रहे हैं। बलखाती लहराती लकड़ी की चाप, उस पर झूमती मिट्टी की पिंडी और पिंडी को आकार देते हाथ। रायपुर के बाजारों में आजकल ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। कुम्हार बिरादरी के घर का हर सदस्य आजकल इसी में व्यस्त है। दिवाली आते ही बाजार में तरह तरह के दिए सजने लगे हैं। दिए बनाने वाले कुम्हार दिन रात मेहनत में जुटे हुए हैं। यही एक सीजन होता है जिसमें उनकी कुछ बिक्री हो जाती है। भले ही इनके बनाए गए दीपक आम आदमी के घरों में रोशनी फैलाएं, लेकिन इनके घर बड़ी मुश्किल से रोशन हो पाते हैं। बदलते दौर में बढ़ती महंगाई से ये कुम्हार बेहद परेशान है। दिए बनाने की ये तस्वीरें बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन इन दियों को बनाने वालों की जिंदगी कितनी अंधेरी है ये कोई उनसे ही पूछे। चीज में इतना ज्यादा चलन नहीं है आजकल, मटका वटका सब फ्रिज व्रिज आ गया है, ये सीजन में 2-4 पैसा कमा लें ऐसा करके सोचते हैं, तो फिर इसमें भी बहुत से चाइनीज दिए आ जाते हैं दीपावली के समय, तो हम लोग क्या कमाएं। कई पीढ़ियों से ये लोग मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने का काम कर रहे हैं। रोजगार का कोई और साधन है नहीं और इस काम में बरकत बिल्कुल नहीं। तकनीक बदलने के साथ ही स्थानीय कुम्हारों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। राजस्थान से आने वाले कुम्हारों के दियों के सामने लोग अब स्थानीय कुम्हारों के दियों को कम पसंद करने लगे हैं। ये सब सांचे का माल है, सांचे से बनता है, मशीन से होता है, मिट्टी टेराकोटा है, ये अच्छा मिट्टी है, महंगा मिट्टी आता है, महंगा आता है, ठीक है ना, महंगा आता मिट्टी है और मेटेरियल भी ज्यादा लगता है, तो सब महंगा आता है, इसलिए लोग पसंद करते हैं, बहुत अच्छा चलता है। मैं 5-7 आता हूँ रायपुर के अंदर और अच्छा चलता है। चला दिए की भी वैरायटीज बहुत अच्छी अच्छी है, डिजाइनिंग काफी सुंदर है, तो दिवाली में अपने घर को रोशन करने के लिए हम यहाँ दिए खरीदने आए हैं। और लास्ट ईयर भी हमने यहीं से दिए परचेस किए थे, क्योंकि ये राजस्थानी दिए हैं जो दिखने में भी बहुत सुंदर है और लोगों को अपने आस पास में जैसे सगे संबंधियों को गिफ्ट करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये भले ही झालरों और मोमबत्ती की चमक ने दिए की रोशनी को कुछ कम कर दिया, लेकिन पारंपरिक दिए का क्रेज कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज भी दिवाली के मौके पर बाजार में दिए की मांग है, लेकिन जरूरत पर्यावरण के अनुकूल इन दियों के ज्यादा इस्तेमाल की है, ताकि दियों की जगमग रोशनी के साथ साथ इन्हें बनाने वाले कुम्हारों की जिंदगी का अंधेरा भी खत्म हो सके। इस समय रायपुर से रूपेश गुप्ता,